कुरान एक तोहफा अल्लाह सुबहान तआला की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वला असबाती वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतियन नबीयून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَكَادِهِ تَدَى وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاكٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ सिबगतान सिबगतों व नानु लहू आबिदून। कुल आतुहज्जूनना फिल्लाहि वहू व रब्बूना व रब्बुकुम वला नामलूना वलाकुम आमालुकुम व नुनु लहू मुखलिसून। रब्बिशरली सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 136 137 138 139 136 137 138 139। अल्लाह सुबहान ताला नबी अलैहिस्सलाम को बातें बता रहे हैं उस ज़माने की और उस ज़माने की सरकशियों की और उस ज़माने के जो अंबियाए कराम जो आए उन्होंने किस तरह अपनी कौम के साथ अल्लाह की वैदानियत के लिए बातें बढ़ाई और किस तरह से कुर्बानियाँ दी। तो आगे अल्लाह ताला उसी सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने को कहते हैं कि ऐ ईमान वालों, कहो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि जो बिलीवर्स हैं उनको कहो कि वी हैव बिलीव्ड इन अल्लाह, हम अल्लाह में ईमान रखते हैं और अल्लाह ने जो चीज़ उतारा उसमें ईमान रखते हैं और जो अल्लाह सुबहान तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया जो आए उन पे और जो कुछ अल्लाह सुबहान तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और ये दूसरे जो अंबिया आए उनको जो अल्लाह ने जो कुछ दिया उस पर हम ईमान रखते हैं और हमारे में कोई भी तफरीका नहीं है इन बातों के बीच में और हम मुसलमान हैं। अगर वो इस बात पे यकीन लाएंगे, आप पे यकीन लाएंगे तो वो सही राह पे रहेंगे और अगर वो सही राह से हट गए तो उन्होंने सिर्फ एक डिफरेंस पैदा किया, एक तरह का डिस्प्यूट पैदा किया और ऐसी चीज़ों से अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि अल्लाह जो है काफ़ी है ऐसे लोगों के जो अगर आपके खिलाफ भी है तो अल्लाह काफ़ी है आपके लिए। तो क्योंकि अल्लाह सुबहान ताला सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं। और कहो कि अल्लाह का दीन जो है वो अल्लाह का है और अल्लाह इससे बेहतर कौन सा दीन दे सकता है और
जो और कौन सा दीन ऐसे बेहतर होगा जो अल्लाह का दीन हो और हम अल्लाह के इबादत गुजार हैं। और अल्लाह आगे बताते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने को कहते हैं कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप जो है वो इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करो, इनसे बहस ना करो, क्योंकि इनका उनका खुदा, उनको बताओ ये कि जो आपका जो खुदा है वही हमारा भी खुदा है और हमारे जो आमाल हैं वो हमारे हैं और आपके जो आमाल हैं वो आपके हैं। तो हमारा जो इरादा है, हमारी जो नियत है वो जो है वो अल्लाह के लिए ही क्लियर कट है, हमारे इरादों में कोई भी गफलत नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए इस दुनिया में जीते हुए, क्योंकि जितनी भी किताबें आई और अंबियाए कराम आए वो तमाम अल्लाह के भेजे हुए मैसेंजर्स हैं और उनकी किताबों पर भी हमें ईमान रखना चाहिए और हमें चाहिए कि हमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिम नबीन है उनकी बातों पे बहुत ही गौर फिक्र करते हुए अमल करना चाहिए। और ये जो कुरान आया है, ये कुरान सिर्फ हमारे लिए एक बहुत ही बड़े गाइडेंस है, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इन लोगों से इनके कौमों ने जो है बहुत सारे सवाल जवाब करके इनके बातों को पे अमल ना करते हुए अपने आप को जो है इन्होंने हलाकत में डाल के रखा है। और आज की भी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं, अल्लाह उनको सब कुछ दे रहा है पर उनकी फिक्र सही नहीं है। उनकी फिक्र सही होना चाहिए, इसलिए उनके अमाल उनके साथ हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सुनते हैं और जानने वाले हैं। और हमें ये पक्का यकीन और यकीन के साथ चलना चाहिए कि हम एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।